गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट में माइग्रेशन से लेकर जो हियरिंग हुई है, तो उसमें जो जजमेंट है वो कब तक आ सकता है। तो मैंने आपको इसको पहले ही बताया था कि 3 दिन तक तो जजमेंट आएगा नहीं किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि 3 दिन का तो उनको ऑलरेडी टाइम दिया है कोई भी डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल करने के लिए या फिर कुछ भी उनको कोई और भी ऑब्जेक्शन हो वो फ़ाइल करने के लिए। उसके बाद आप 1-2 दिन और एक्स्ट्रा मान कर चलिए। तो अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, मैंने पिटीशन ओपन करी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डे टू डे अपडेट है। पहले 12 जुलाई को हियरिंग हुई थी, फिर 31 जुलाई को, फिर 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त। तो अभी अगर जजमेंट आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर अपलोड हो जाएगा जिस भी डेट को जजमेंट आएगा वो। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि जो लेटेस्ट अपडेट है इस केस से रिलेटेड वो क्या है। तो एक बार इसको ओपन कर लेते हैं PDF को। एक मिनट गाइस, ठीक है। अगर आप इसमें देखें सारी पिटीशन थे, अब अगर आप जानना चाह रहे थे कि कितनी पिटीशन लगी हुई हैं, तो ये देखिए जो अपनी मेन पिटीशन थी वो ये है, योगिता सोनी, गुजरात सोनी वाली। और फिर इसमें जो कनेक्टेड सारी रिट हैं वो ये हैं सारी की सारी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी रिट हैं और कितने कैंडिडेट होंगे। ये सारी रिट्स हैं, टोटल 53+1, क्योंकि एक तो ऑलरेडी चल रही है और एक ये, तो टोटल 54 हो चुकी हैं। और जो पिटिशनर्स के एडवोकेट हैं वो सारी ये दिख ही रहे होंगे आपको। माथुर साहब हैं, शोभित है, आदित्य है, राम प्रताप सैनी, आमिर खान, गिरिराज राजौरी, सारे एडवोकेट हैं, आशीष नागरवाल, अरविंद, बजरंग सेपट, ठीक है ये सारे। और रिस्पॉन्डेंट के जो एडवोकेट हैं वो ये है, राजेंद्र प्रसाद और आशीष शर्मा और शैलेश प्रकाश। इसके अलावा यहाँ पर जो अपडेट है वो यही है कि जो अगली जो हियरिंग हुई थी वो 7 जुलाई को हुई थी, 7 अगस्त को सॉरी, और 7 अगस्त के बाद अब जजमेंट आएगा। तो जजमेंट की अगर हम बात करें अब, तो जजमेंट की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि लगभग कल जो है वो जजमेंट आ सकता है। कल की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कल जजमेंट आ जाए, आज के थोड़े चांसेस कम है, और कल तक जो है आपका जजमेंट आ जाना चाहिए, वरना फिर ये जजमेंट जो है आपका मंडे तक आएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, और बने रहिएगा, कोई भी अपडेट आएगी आपको मिली जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।